सभी को मेरा मार्गदर्शन और आज हम वापस नए लेक्चर पे एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स के जो कि मैथ्स का है और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको बताने जाऊंगा, देखते क्या है। हाँ तो जैसे कि मैं स्टार्ट करते हैं, जैसे कि मैंने आपको बोला था बहुत अच्छा क्वेश्चन कराने वाला हूँ आज मैं, तो बढ़ते हैं क्वेश्चन। टू सर्कुलर फ्लावर बेड्स हैव बीन शोन ऑन द टू साइड्स ऑफ अ स्क्वायर लॉन। एक स्क्वायर लॉन बना लीजिएगा, टू सर्कुलर फ्लावर बेड बना लीजिएगा। एबीसीडी ऑफ साइड 56 मीटर, स्क्वायर की साइड बोल रहे हैं 56 मीटर, स्क्वायर की चारों साइड इक्वल रहती है तो चारों साइड 56 मीटर की हो जाएगी। इफ द सेंटर ऑफ ई सर्कुलर लॉन बेड इज पॉइंट ऑफ ओ, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। जैसा कि बोल रहा है जो स्क्वायर की डायगोनल जो बाइसेक्ट करेंगे वो इंटरसेक्शन पर बाइसेक्ट करेंगे और फ्लावर बेड का जो सेंटर होगा वो इंटरसेक्शन होगा सर्कुलर के स्क्वायर के। तो जब मैं आपको पूरा बनाऊंगा डायग्राम तब बताऊंगा। फाइंड द सम ऑफ द एरिया ऑफ अ लॉन एंड द फ्लावर बेड, मतलब टोटल एरिया फाइंड करने को बोल रहा है वो, तो जो मैं शेड कर रहा हूं उनका एरिया, मतलब एरिया ऑफ स्क्वायर एबीसीडी प्लस टू इंटू एरिया ऑफ माइनस सेगमेंट, ये फाइंड करना हमको। उससे पहले हमको पूरी स्क्वायर की इन्फॉर्मेशन लिखनी पड़ेगी, स्क्वायर की प्रॉपर्टीज लिखनी पड़ेगी और चैंपियन फिगर होता है कि स्क्वायर में, आपको बताना चाहूंगा क्या क्या प्रॉपर्टीज है। तो सॉल्यूशन में ही आएगी वो सब प्रॉपर्टीज, तो सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले स्क्वायर की पूरी प्रॉपर्टीज लिखेंगे, क्योंकि अपन को, मैं उसका रीजन आपको दे रहा हूँ क्योंकि अपन को बोर्ड के क्वेश्चन को बताना है, बोर्ड के टीचर को बताना पड़ेगा और बहुत से आगे चल के क्वेश्चन में काम आएंगे सॉल्यूशन में क्वेश्चन के। तो लिखेंगे एबीसीडी इज अ स्क्वायर, इन स्क्वायर ऑल द फोर साइड्स आर इक्वल, ऑल द फोर साइड्स आर इक्वल, मतलब स्क्वायर की चारों साइड इक्वल रहती है। ऑल द फोर एंगल आर राइट एंगल, ऑल द फोर एंगल्स आर राइट एंगल, मार्क करते चलिएगा। चारों एंगल 90 डिग्री होते हैं यानी राइट एंगल होते हैं स्क्वायर के। ऑल द फोर एंगल्स आर राइट एंगल, द लेंथ ऑफ अ डायगोनल ऑफ अ स्क्वायर आर इक्वल, द लेंथ ऑफ अ डायगोनल्स ऑफ द स्क्वायर आर इक्वल, द लेंथ ऑफ डायगोनल्स ऑफ स्क्वायर आर इक्वल। डायगोनल्स बना लीजिएगा, स्केल पेंसिल से बनाइएगा, दैट इज ए सी इक्वल टू बी डी, द लेंथ ऑफ डायगोनल्स आर इक्वल, दैट इज ए सी इक्वल टू बी डी, दोनों लेंथ की जो डायगोनल्स होती है वो एक सी होती है, कॉमा डायगोनल्स ऑफ स्क्वायर बाइसेक्ट ईच अदर, डायगोनल्स ऑफ स्क्वायर बाइसेक्ट ईच अदर, यानी दोनों जो डायगोनल्स होते हैं एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, यानी ओए इक्वल्स टू ओ सी लिखेंगे, दैट इज ओए इक्वल्स टू ओ सी कॉमा ओबी इक्वल्स टू ओडी। वैसे लिखेंगे डायगोनल्स ऑफ स्क्वायर कॉमा लगा के बाइसेक्ट ईच अदर, एट राइट एंगल जो स्क्वायर के डायगोनल्स होते हैं वो एक दूसरे को राइट एंगल बाइसेक्ट करते हैं, 90 डिग्री बाइसेक्ट करते हैं, तो 90 डिग्री का साइन बना लीजिएगा। ये सब अपन को अभी सॉल्यूशन का काम आएगा बहुत और अपन को फिर अलग से रीजन देने की कोई जरूरत नहीं होगी, ये पूरा नोट लिखना पड़ेगा पहले, कॉमा दैट इज जैसे मैंने बताया डायगोनल ऑफ स्क्वायर बाइसेक्ट ईच अदर, दैट इज एंगल ए ओ बी इक्वल्स टू 90 डिग्री कॉमा एंगल बी ओ सी इक्वल्स टू 90 डिग्री कॉमा एंगल डी ओ सी इक्वल्स टू 90 डिग्री कॉमा एंगल डी ओ ए इक्वल्स टू 90 डिग्री। तो ये हमारी पूरी फुल इन्फॉर्मेशन थी स्क्वायर के बारे में, अपन देखते सॉल्यूशन और आगे क्या कहता। हाँ तो जैसे कि अपन अपना सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं, अपन एक स्क्वायर के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन लिख दी थी तो अपन अपना सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे। अपन को सबसे पहले जैसे कि मैंने आपको बताया था इसका इंटरसेक्टिंग पॉइंट है ये, इन सर्कल के सेंटर जो स्क्वायर का जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है वो इन सर्कल का सेंटर है, दोनों सर्कल का एक ही सेंटर है। अब अपन देखते हैं
सबसे पहले अपन को उसके लिए रेडियस निकालनी पड़ेगी। तो रेडियस निकालने के लिए एन ट्राइंगल एबीसी, शेड कर देना मैं ट्राइंगल को, ये वाला ट्राइंगल आप देख सकते हैं। इसके पहले पाइथागोरस थ्योरम से रेडियस निकालनी पड़ेगी। एन ट्राइंगल एबीसी हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, रीजन लिख दीजिएगा बाय पाइथागोरस थ्योरम। एसी स्क्वायर इक्वल टू अपन को इसकी साइड सी थी 56 मीटर, तो 56 द होल स्क्वायर प्लस 56 द होल स्क्वायर। एसी स्क्वायर 56 का स्क्वायर होता है 3136, आप निकाल के देख लीजिएगा। तो एसी स्क्वायर इक्वल्स इन दोनों को आप ऐड करके देख लीजिएगा तो आंसर आएगा 6272। एसी इक्वल्स टू रूट स्क्वायर, वहां जाके रूट हो जाएगा, रूट ओवर 6272 मीटर। ये अपना डायमीटर आया, अपन उसका हाफ कर देंगे तो रेडियस आ जाएगा, पहले बॉक्स कर लीजिएगा। अब अपन देखते हैं, अपन को स्टार्टिंग करते हैं सॉल्यूशन की, आला कहां से, तो स्टार्ट करते हैं। टोटल एरिया निकालना है, जैसे कि मैंने शेड कर दिया था, तो टोटल एरिया, टोटल एरिया इक्वल्स टू एरिया, तो टोटल एरिया इक्वल्स टू एरिया ऑफ स्क्वायर प्लस टू इंटू एरिया ऑफ माइनस सेगमेंट, टू इंटू एरिया ऑफ माइनस सेगमेंट। माइनस सेगमेंट के बारे में मैं आपको पूरी डिटेल देख चुका हूं लास्ट क्लास में जो क्वेश्चन करा था। अब अपन सीधे सीधे सॉल्यूशन आगे कंटिन्यू करते हैं। टोटल एरिया इक्वल टू एरिया ऑफ स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस टू इंटू, अपन ने टू इसलिए लगाया क्योंकि दो फ्लावर बेड है, आप इसको अलग अलग भी लिख सकते हैं पर टू लिख देंगे तो जल्दी हो जाएगा, प्लस टू इंटू बिग ब्रैकेट स्टार्ट पाई थीटा अपॉन 360 माइनस साइन थीटा अपॉन टू इंटू कॉस थीटा अपॉन टू इंटू आर स्क्वायर। अब आगे वाले स्टेप सॉल्व करते हैं। टोटल एरिया इक्वल्स टू ए स्क्वायर, क्या था आपके पास साइड 56 मीटर्स, 56 द होल स्क्वायर प्लस 2 इनटू पाई की वैल्यू, अपन को इस बार कॉमन नहीं निकालना है, 22/7 लिखेंगे, 22/7 इनटू थीटा, अपन को सबका 90 डिग्री दिया हुआ है सब एंगल का, अपन इसमें पूरा एओबी इक्वल्स 90 करके रीजन लिख चुके हैं, 90 डिग्री अपॉन 360 डिग्री माइनस साइन थीटा, अपने पास 90 है तो 90/2 इक्वल्स 45 हो जाएगा, तो साइन सीधे लिख देंगे 45 डिग्री इनटू कॉस 45 डिग्री, इसमें भी थीटा 90 रखेंगे तो हाफ डिवाइड करेंगे 2 से 45 आ जाएगा इनटू, अपने पास रेडियस, अपने डायमीटर निकाल लिया था तो रूट ओवर रेडियस का स्क्वायर 6272 अपॉन 2, क्योंकि रेडियस हाफ होती है डायमीटर के, इनटू 6272 अपॉन 2। अब इतने पास इतना स्टेप, अपने तीन स्टेप क्लियर हो चुके हैं आपको, अब अगला वाला स्टेप करते हैं। अब जैसे कि अपना लास्ट स्टेप याद चुका था, अपन आगे का स्टेप सॉल्व करेंगे। लास्ट स्टेप में याद है टोटल एरिया इक्वल टू 56 द होल स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर टोटल एरिया इक्वल टू 56 का स्क्वायर मैं आपको बता चुका हूं 3136 प्लस 2 इनटू जो 7 है वो नीचे आ जाएगा, मैथ्स का रूल है 7 नीचे आ जाएगा, तो 22 इनटू 90 डिग्री अपॉन 7 इनटू 360 माइनस साइन 45 डिग्री होता है, ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल में आप देख सकते हैं एनसीईआरटी में दिया हुआ है, याद करना तो ज्यादा अच्छा है। 1/√2 cos 45 होता है 1/√2 बिग ब्रैकेट क्लोज इंटू रूट 67 रूट 6272 इंटू रूट 6272 इक्वल टू जाएगा 6272 2 इंटू 2 4। तो ये वाला स्टेप आपको क्लियर हो गया होगा। अब नीचे वाला दूसरा स्टेप से सॉल्यूशन है आप क्वेश्चन में। टोटल एरिया इक्वल टू 3136 प्लस 2 इंटू बिग ब्रैकेट स्टार्ट, अब सीधे कैंसिल करना पड़ेगा, क्या क्या कैंसिल हो रहा है, तो ये जीरो से जीरो कैंसिल हो जाएगा, 9 1s 9 4s 2 1s 2 2 2s 4 और ये 11, तो 11/72 14 माइनस 1/√2 √2 2 6272 4। अब ब्रैकेट ओपन करेंगे और इन दोनों का एलसीएम निकालेंगे, सबसे पहले ऐसे डायरेक्ट सॉल्व नहीं हो सकता है, एलसीएम निकालेंगे। टोटल एरिया इक्वल टू 3136 प्लस 2 इंटू एलसीएम आ जाएगा इसका 14 22 माइनस 14 एलसीएम इसका आ जाएगा 28, नीचे इंटू करेंगे 14 इंटू 2
इनटू 6272 अपॉन 4। अब ऐसे हम ये वाली मेथड यूज करना 14 इनटू 2 और फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाई करेंगे। टीचर की मेथड थोड़ी कंफ्यूज वाली होती है। अब देखें क्या क्या बच रहा है। टोटल एरिया इक्वल टू 3136 प्लस 2 इंटू 22 माइनस 7 8 आ जाएगा अपॉन 28 इंटू 6272 अपॉन 4। अपन देखेंगे क्या क्या काट रहे हैं सबसे पहले, और अपन इसका क्या सॉल्यूशन अगले वाले स्टेप में करेंगे। हाँ, तो जैसा कि आपने ये स्टेप आ गया था आखिरी, अपन देखते हैं क्या क्या कट रहा है, कैंसिल हो रहा है। तो ये 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 2 1 जा 2, 2 14 जा, 2 1 जा 2 7 जा। अब 7 से इसको आप काट के देख लीजिए रफ में क्या क्या आता है, और 7 से आप जब काटेंगे तो 896 आ जाएगा। मैंने आप रफ में कर लीजिएगा काट के, तो जो जो बच गया वो देख लेते हैं। टोटल एरिया इक्वल्स टू 3136 प्लस 896, तो प्लस करके देख लीजिएगा साइड में 3136 प्लस 896। हाँ, तो इसका आ जाएगा टोटल टोटल एरिया इक्वल्स टू 4032 मीटर स्क्वायर। बॉक्स आंसर, और ये अपना आंसर आ चुका है। बहुत अच्छा मेथड है ये, और आरडी शर्मा में आप देखेंगे बहुत लंबी मेथड, और टीचर्स भी बहुत अलग अलग मेथड से कराता है। तो सबसे पहले थैंक यू टू ऑल माय फ्रेंड्स एंड महात्मा दिया।